हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया है और आर्टिकल का जो टाइटल है वो है एट G20 इंडिया कैन शो द वे। G20 मीन्स वही संगठन जिसमें 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन EU, तो इन 20 को मिला करके कहा जाता है G20। तो इसमें इंडिया क्या नए रास्तों को दिखा सकता है, तो ये डिस्कशन है इस टॉपिक में, इस आर्टिकल में। PM मोदीज वेलफेयर एम्पावरमेंट स्कीम्स शुड बी ए blueprint फॉर मैनी कंट्रीज। तो ये जो लिखा है इसको बिल गेट्स ने लिखा है, वाह गजब। द टाइम्स ऑफ इंडिया में बिल गेट्स ने लिखा है। द राइटर इज को चेयर एंड ट्रस्टी ऑफ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, मीन्स वही वाले बिल गेट्स हैं, अमेरिका वाले। तो एक बहुत बड़े नामी गिरामी व्यक्ति ने इसको लिखा है, तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये आर्टिकल को पढ़ना और इसमें से चीज़ों को निकालना। और बिल गेट्स जी का क्या थॉट है भारत के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, तो वो बड़ा ही रोचक होगा इसको पढ़ना और उनसे ये चीज़ों को सीखना। स्पीडिंग अप प्रोग्रेस टुवर्ड्स ए हेल्दियर फेयरर एंड मोर प्रॉस्पेरस वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन कमिटमेंट एंड इनोवेशन। देखिए कितनी गजब बात बिल गेट्स जी ने की, स्पीडिंग अप प्रोग्रेस टुवर्ड्स ए हेल्दियर फेयरर एंड मोर प्रॉस्परस वर्ल्ड, यानी कि यदि संसार को एक स्वस्थ, एक नैतिक, अच्छा और ज़्यादा समृद्ध संसार बनाना है तो ये डिपेंड करता है इस बात पर कि आप कितने ज़्यादा कमिटमेंट हैं, यानी प्रतिबद्ध हैं अपने कार्य के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति कितना कमिटमेंट है और कितना इनोवेटिव हैं आप। तो गजब की बात है ये, स्पीडिंग अप प्रोग्रेस टुवर्ड्स ए हेल्दियर फेयरर एंड मोर प्रॉस्परस वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन कमिटमेंट एंड इनोवेशन। बहुत गजब की लाइन लिखी हुई, इसको तो मैं पहले नोट्स में लिख लूँ अपने। एंड दिस इज वेयर इंडिया लीड्स द वे, और यहाँ पर भारत जो है एक नेतृत्व की भूमिका अदा कर सकता है। Earlier this month, our foundation released a report on progress towards the sustainable development goals. यानी कि पिछले महीने जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स जो फाउंडेशन है बिल गेट्स जी का और उनकी पत्नी का, उसने मतलब पूर्व पत्नी का, तो उसने एक रिपोर्ट जारी किया जिसका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDG से संबंधित गोल है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है, तो 2015 के पेरिस कॉन्फ्रेंस में देशों ने एक मिल करके एक घोषणा करा था कि 2030 तक हम 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करेंगे, जिसमें यह है कि पावर्टी को इरेडिकेट करना है, हंगरनेस को इरेडिकेट करना है, जलवायु परिवर्तन को रोकने का प्रयास करना है, वाटर सिक्योरिटी पर काम करना है, जो मैरीन इकोसिस्टम है उस पर काम करना है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, 17 चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करना है और 169 सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसके ऊपर काम करना है। तो इससे संबंधित रिपोर्ट निकाले थे। दीज गोल्स टू एंड पावर्टी एंड हंगर, अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, एंश्योर एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन एंड मोर, ऑल बाय 2030 वर एग्रीड अपॉन 7 years ago बाय एवरी मेंबर्स कंट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यानी कि 7 पहले एक कमिटमेंट हुआ था, मीन्स 2015 में एक कमिटमेंट हुआ था जिसमें यूनाइटेड नेशंस के सभी सदस्य देशों ने 2030 तक बहुत सारे 17 क्षेत्रों में काम करने का निर्णय लिया था। तो उसमें से कुछ एग्जांपल यहाँ पर हैं कि अचीव करना है हमको क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक विकास को अचीव करना है, एंश्योर करना है कि क्लीन वाटर मिले, स्वच्छता यानी सैनिटेशन मिले, ये सारी बातों को अचीव करना है, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है, ये सारी चीज़ें हैं। द रिपोर्ट वॉज सो बेरिंग शोइंग दैट द वर्ल्ड इज करेंटली ऑफ ट्रैक टू मीट द गोल्स, यानी कि संसार जो है वो ट्रैक से बाहर जा रही है, गोल को अचीव नहीं कर सकती है। बट थैंक्स टू द लीडरशिप एंड प्रोग्रेस इन इंडिया आई रिमेन ऑप्टिमिस्टिक दैट वी कैन स्टिल गेट देयर। यानी भारत में जो प्रोग्रेस हो रहा है, जो भारत में लीडरशिप है, जो नेतृत्व है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, तो वो उसको देख करके बिल गेट्स इतने बड़े
व्यक्ति कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का भारत का जो नेतृत्व क्षमता है, भारत का जो कमिटमेंट है, भारत में जो इनोवेशन है, भारत में जो प्रोग्रेस है, उन सबको देखते हुए बिल गेट्स जी बड़े ही ऑप्टिमिस्टिक, बड़े ही आशावादी नज़रिए से देख रहे हैं कि 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जा सकता है। इंडिया कैन कीप SDGs ऑन ट्रैक, यानी भारत जो है SDG को एक रास्ते पर ला सकती है, मीन्स SDGs जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती हैं इंडिया। तो इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ PM मोदी हैज़ मेड ग्रेट स्ट्राइड्स इन इम्प्लीमेंटिंग मैनी इनिशिएटिव्स दैट शो प्रॉमिस फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स SDGs। यानी भारत में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में एक इम्प्लीमेंटिंग यानी कि चीज़ों को लागू करवाना, बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो लिए गए थे, बहुत सारे योजना जो बनाई गई, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट असेंबल इन इंडिया, फिर बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ लाए, तो वो सबको देखते हुए वो कह रहे हैं कि भारत में इम्प्लीमेंटिंग जो किया जा रहा है बहुत सारे इनिशिएटिव्स को, तो उन सबको देखते हुए ये बड़े ही ऑप्टिमिस्टिक हैं। द कंट्रीज अपकमिंग G20 प्रेसिडेंसी प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन लीडर्स टू शार्पन द वर्ल्ड्स फोकस ऑन हेल्थ एंड डेवलपमेंट इश्यूज एंड शेयर लेसंस एंड इनोवेशंस दैट कैन इम्प्रूव एंड सेव लाइव्स। यानी G20 का जो अपकमिंग बैठक है उसमें यह अपॉर्चुनिटीज़ है भारतीय नेतृत्व को कि वो विश्व के ऊपर फोकस करें कि कैसे हेल्थ, यानी पूरा विश्व जो है हेल्थ और डेवलपमेंट के इशू को कैसे फोकस करे, इस पर भारत मतलब नेतृत्व कर सकता है और जो भारत के इनोवेशंस रहे हैं उसको शेयर कर सकता है और लोगों के लाइफ को सेव करने के लिए इम्प्रूव करने की कुछ बातें बता सकता है कि कैसे लोगों के जीवन को बचाया जाए। वैक्सीन डेवलपमेंट इज़ ए क्लियर एग्जांपल ऑफ इंडियाज़ ग्लोबल कंट्रीब्यूशन। तो श्री बिल गेट्स जी का कहना है कि भारत का जो वैक्सीन डेवलपमेंट है वो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि दुनिया में कैसा भारत ने कंट्रीब्यूशन किया, कैसे लोगों के जीवन को बचाया। 2 of every 5 कोविड वैक्सीन डज दैट गवी द वैक्सीन अलायंस हैज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द वर्ल्ड वर मेड इन इंडिया। यानी कि हर 5 में से 2 यानी कि 10 में से 4 यानी 40% जो वैक्सीन है दुनिया भर में वो अकेले भारत की लगी हुई है लोगों को पूरे संसार में। ड्यूरिंग द पेंडेमिक डिस्पाइट सप्लाई शॉर्टेजेस इन अर्ली 2021 ओवर 2 billion डोजेज ऑफ वैक्सीन मैनुफैक्चर्ड इन इंडिया वर डिलीवर्ड डोमेस्टिकली एंड ओवर 250 million वर एक्सपोर्टेड। यानी कि पैंडेमिक के समय में ही 2021 की शुरुआत में ही 2 billion डोजेस को बनाए गए भारत के अंदर में ही मैन्युफैक्चर करके भारत में डिलीवर किए गए और 250 million डोजेज को एक्सपोर्ट भी किया गया। एंड इट इज़ नॉट जस्ट ह्यूमंस हु आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इंडियाज वैक्सीन नो हाउ। यानी कि पूरे जो लोग हैं वो बेनिफिट उठा रहे हैं इस चीज़ का जो भारत बहुत अच्छे से काम किया वैक्सीन के क्षेत्र में। आवर फाउंडेशन इज आल्सो एक्सपेंडिंग पार्टनरशिप इन द एरिया ऑफ एनिमल वैक्सीन्स इंक्लूडिंग विद हेस्टर बायोसाइंसेस ए लीडिंग इंडियन एनिमल हेल्थ केयर कंपनी टू एक्सपेंड एनिमल वैक्सीन प्रोडक्शन इन ईस्टर्न अफ्रीका। यानी कि जो जैसे लंपी वायरस है जो कि गाय के ऊपर हो रहा है, तो लंपी वायरस को कैसे हटाया जाए, जानवरों को कैसे हम सुरक्षित करें, उनको बीमारियों से बचाएं, तो इसके क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं बिल गेट्स का फाउंडेशन। एनदर एरिया वर्थ एम्यूलेटिंग इज इंडियाज कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच टू डिजिटल टेक्नोलॉजी। यानी भारत डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो काम कर रहा है तो वो भी एक बहुत बड़ा काम है। जैसे कि देखा जाए तो जितने भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र्स हैं उसके माध्यम से लोगों के खाते में सीधा धन को पहुंचाया जाता है,
प्रत्यक्ष मुद्रा हस्तांतरण किया जाता है तो इससे भ्रष्टाचार में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। और 2014 से लेकर के 2019 के बीच में देखा जाए तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए जो बीच में लीकेज से ही बाहर निकल जाता भ्रष्टाचार के रूप में, तो उसको बचाया गया है। तो ये सारे पैसे जो भ्रष्टाचार में जाते उसको बचा करके लोगों के वेलफेयर में उसको लगाया गया, क्योंकि डिजिटली जब चीज़ों को भेजा जाएगा तो उसमें जो कहते हैं पारदर्शिता, तो उसको बनाए रखा जा सकता है। और पारदर्शिता किसी भी नीति में रहेगा, किसी भी इनिशिएटिव में होगा, तो जाहिर सी बात है उसकी जो दक्षता है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। प्रोग्रेस इन दिस एरिया कैन हेल्प एड्रेस मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स चैलेंजेस फ्रॉम पैंडेमिक रिकवरी टू पॉवर्टी टू लैक ऑफ एक्सेस टू मेडिकल केयर, बट ओनली इफ कंट्रीज आर बिल्डिंग सिस्टम्स दैट आर सोर्सेस सिक्योर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड इंक्लूसिव। हियर इंडियाज सिस्टम ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इज ए मॉडल फॉर द वर्ल्ड। यानी भारत में जो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो पूरे संसार के लिए एक मॉडल के रूप में देखा जा सकता है। द प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज़ वास्टली एक्सपांडेड एक्सेस टू बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेशली फॉर वीमेन हु टू ऑफन हैव नॉट हैड पावर ओवर देयर ओन मनी। यानी जो प्रधानमंत्री जनधन योजना आया था 2015 में, तो वो बहुत मतलब 2014-15 में तो बहुत तेज़ी से फैला, और इसे जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं खास करके जो महिलाएं हैं वो उनको एक्सेस हुआ बैंकिंग तक, वो गए खाता खुलवाई उनके खाते में पैसे आए, तो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन की भावना आई। तो इसको कहा जाता है इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि बैंकिंग क्षेत्र में अपनी भी भागीदारी को बनाना, तो इसको सुनिश्चित किया गया। ओवर हाफ ऑफ द 450 मिलियन डिजिटल अकाउंट्स दैट हैव बीन ओपेंड बिलोंग टू वीमेन। यानी 450 मिलियन डिजिटल अकाउंट्स जो खुले वो महिलाओं के खुले, तो ये बड़ी बात है कि महिलाओं का फाइनेंशियल इंक्लूजन देखा गया प्रधानमंत्री जनधन योजना के कारण। द शीयर वॉल्यूम ऑफ मंथली ट्रांजेक्शंस दैट द यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI has made possible over 6 billion is amazing। यानी ट्रांजेक्शन्स खूब हो रहे हैं UPI के थ्रू भारत में, और 6 billion ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। एंड थैंक्स टू द सोफिस्टिकेटेड आधार आइडेंटिफिकेशन सिस्टम एंड डिजिटल पेमेंट्स मोर देन 300 मिलियन पीपल हैव रिसीव्ड रिलीफ पेमेंट्स डिजिटली ड्यूरिंग द पैंडेमिक। यानी पैंडेमिक के समय में 300 मिलियन लोग जो हैं उनको डिजिटली पैसे को भेजा गया, जिससे उनको रिलीफ मिला, उनको मतलब सुविधा मिला। अनदर वे इंडिया हेल्प्ड वल्नरेबल पॉपुलेशंस ड्यूरिंग द पैंडेमिक वाज बाय प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स। यानी जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो ठेले पर काम करते हैं, ठेला लेकर के सब्जी बेचते हैं, ये सारे काम करते हैं, तो उनको अफोर्डेबल यानी कि सस्ते दाम पर या सस्ते रेट पर उनको फ्री में काम को मुहैया कराया गया। द PM स्वनिधि प्रोग्राम लिंक्ड स्ट्रीट वेंडर्स विद फॉर्मल क्रेडिट मैकेनिज्म्स allowing them to initiate digital transactions and build a credit history। अगला digitization can propel healthcare। यानी जो डिजिटलीकरण है वो healthcare में भी बड़ा ही कामगर हो सकता है। तो digitalization का एक तो फ़ायदा हुआ financial inclusion में, दूसरा फ़ायदा हो सकता है हेल्थ केयर में। कैसे? तो इंडिया हैज़ यूज्ड डिजिटाइजेशन टू ट्रांसफॉर्म हेल्थ केयर एज वेल।
यानी भारत ने हेल्थ केयर में सुधार करने के लिए भी मीन्स हेल्थ केयर में भी ट्रांसफॉर्म करने में डिजिटाइजेशन मीन्स डिजिटलीकरण का बड़ा ही उपयोग किया और उसको फ़ायदा मिला। द कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म विच हेल्प्ड द कंट्री डिलीवर एंड डिजिटली सर्टिफाई ओवर 200 मिलियन डोजेस ऑफ कोविड वैक्सीन्स इज नाउ बीइंग एनहांस्ड टू कवर द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यानी राष्ट्रीय या नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 2 बिलियन डोजेज जो लोगों को लगे वो कोविन नाम के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा लगे। द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आल्सो हैव एन एक्सपेंसिव विजन टू इंटीग्रेट की एलिमेंट ऑफ हेल्थ सिस्टम फॉर फ्रॉम पीपल आइडेंटिफिकेशन टू पेपरलेस पेमेंट्स डिजिटल रिकॉर्ड स्टोरेज टू कम्युनिकेशंस। द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है एक्सपेंसिव विजन टू इंटीग्रेट की एलिमेंट्स ऑफ हेल्थ सिस्टम, यानी स्वास्थ्य प्रणाली को इंटीग्रेट करने में और उसको फैलाने में द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी बड़ा ही कारगर रहा। टू डिजिटल रिकॉर्ड स्टोरेज टू कम्युनिकेशंस, यानी कि डिजिटल रिकॉर्ड को रखने में और उसके थ्रू कम्युनिकेशन को बनाने में बड़ा ही फ़ायदा मिला। फ्रंटलाइन वर्कर्स विल बी एबल टू सीमलेसली कंडक्ट आउटरीच एंड रिकॉर्ड पेशेंट लेवल डेटा, यानी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो भी सक्षम हो सकेंगे कि कैसे वो पेशेंट के जो डेटा हैं उसको उसके थ्रू उनको सेवाएं प्रदान कर पाए। पेशेंट्स विल बी एबल टू ईजिली एक्सेस दियर डिजिटल रिकॉर्ड्स ए फंक्शन दैट पीपल इन मैनी अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग माई ओन विश वॉज मोर ईजली अवेलेबल टू दैम एंड विद पेशेंट कंसेंट एंड प्राइवेसी सेफगार्ड्स हेल्थ प्रोवाइड्स विल बी एबल टू शेयर क्रिटिकल डेटा दैट विल इम्प्रूव केयर। यानी कि जब एक डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड बनेगा हर व्यक्ति का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि कोई व्यक्ति बीमार हुआ तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, अपना डिजिटल जो हेल्थ का हिस्ट्री है दिखाएगा डॉक्टर को, तो डॉक्टर वो सारे उसके हेल्थ इश्यूज़ जो हिस्ट्री में हो चुके हैं उसके साथ में उन सबको एनालाइज करके सही प्रकार के जो हो सकते हैं सुझाव हो सकते हैं दवाइयां हो सकती हैं वो अपने पेशेंट को दे सकेंगे, और पेशेंट भी अपने हेल्थ संबंधित हिस्ट्री को देखते हुए भी थोड़ा सा अपने में कंसर्न हो सकते हैं कि हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है। और कह रहे हैं कि भारत में इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा सकता है, जो कि दिया भी जा रहा है काफ़ी हद तक, और ऐसा अमेरिका में भी होता है जो कि कहना है बिल गेट्स का। एम्पावरिंग वीमेन इज़ अ की, यानी कि महिलाओं को सशक्त करना भी एक बहुत बड़ी कुंजी है देश को आगे बढ़ाने के लिए। PM मोदी एंड अदर इंडियन लीडर्स नो दैट द कंट्री कैन ओनली प्रॉस्पर इफ़ वीमेन हैव पावर ओवर दियर फाइनेंशियल फ्यूचर्स, यानी प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे भी लीडर्स ये जानते हैं कि देश समृद्ध तभी बन सकता है जब महिलाएं सशक्त हों फाइनेंशियली, यानी कि मुद्रा के रूप में उनके हाथ में भी पैसे हों, वो पैसे को इन्वेस्ट करें, इंडस्ट्रीज़ लगाएं, काम करें, रोज़गार पाएं, बाहर निकलें, तो ये सारे काम करेंगी तो उनके पास में फाइनेंशियली वो मज़बूत होंगी, और कोई जब फाइनेंशियली मज़बूत होता है तो उसकी जो आत्मसम्मान है समाज में वो बढ़ता है, इसके थ्रू उसका पॉलिटिकली सोशली जो एनरिचमेंट है अपलिफ्टमेंट है जो एनहांसमेंट है जो इम्प्रूवमेंट है जो रिफॉर्मेशन है वो बढ़ता है, जिसे देश भी प्रॉस्पर होता है, ऐसा बिल गेट्स का कहना है। द वर्ल्ड कैन लर्न फ्रॉम द वे इंडिया हैज़ नर्चर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू सपोर्ट वीमेन्स लाइवलीहुड
एंड दियर एजेंसी, यानी कि विश्व जो है भारत में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम करते हैं वो कैसे सपोर्ट करते हैं महिलाओं के लाइवलीहुड को, यानी कि महिलाओं के जीविकोपार्जन में कि महिलाएं कुछ ना कुछ काम करें, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह होते हैं जो हथकरघा उद्योग में काम कर रहे हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं, तो इससे महिलाओं की जो आत्मनिर्भरता है, सेल्फ रेजिलियंसी है, वो बढ़ता है, जिससे उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ऐसा मेंशन किया है बिल गेट्स ने। विद ओवर 80 मिलियन वीमेन मोबिलाइज्ड इनटू 7.5 मिलियन SHGs सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, दिस इज एसेंशियली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो 80 मिलियन महिलाएं जो हैं वो 7.5 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से जुड़ करके एक बहुत बड़ा कम्युनिटी बनाती हैं, जो कि विश्व के किसी भी कम्युनिटी प्रोग्राम से सबसे बड़ा है ये भारत का। इंडियन लीडर्स नो टू, यानी भारतीय जो नेतृत्व है, नेताएं वगैरह हैं, तो वो ये भी जानते हैं कि दैट इनोवेटिव टूल्स कैन ओनली रीच दियर फुल पोटेंशियल व्हेन एकम्पनीड बाई कनेक्टिव एक्शन, यानी कलेक्टिव एक्शन मीन्स कि एक साथ मिलकर के काम करना। तो भारत में जो फुल पोटेंशियल है, यानी पूरी जो संभाव्यता है, अगर उसको तभी पाया जा सकता है जब पूरे कलेक्टिव एक्शन के साथ में काम किया जाए, यानी मीन्स सभी लोग मिलजुल करके काम करें। तो व्हाइल वी नीड ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज टू प्रिवेंट ए क्लाइमेट डिजास्टर, वी आल्सो नीड इंडिविजुअल्स टू सिग्नल दैट क्लाइमेट चेंज इज इम्पॉर्टेंट, विच इनकरेजेस गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस टू इन्वेस्ट इन दोज टेक्नोलॉजीज। While we need groundbreaking technologies to prevent a climate disaster, यानी कि जो जलवायु आपदा है तो उसको रोकने के लिए भी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। We also need individuals to signal, यानी हमें हर व्यक्ति के स्तर पर भी आवश्यकता है कि क्लाइमेट चेंज महत्वपूर्ण है, मतलब उसको बचाना, क्लाइमेट चेंज ना हो तो इसके लिए काम करना बड़े ही इम्पॉर्टेंट है। विच एनकरेजेस गवर्नमेंट्स एंड बिजनेसेस टू इन्वेस्ट इन दोज टेक्नोलॉजीज, जो सरकारों को और बिजनेसमैन को या बिजनेस पर्संस को एनकरेज करता है कि वो ऐसे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें। इंडियाज कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस इज ट्रिमेंडस, यानी भारत का जो कार्बन एमिशन को कम करने का लक्ष्य है वो बड़ा ही मीन्स प्रशंसनीय है, और भारत ने कहा है कि 2070 तक भारत नेट ज़ीरो को प्राप्त कर लेगा। नेट ज़ीरो मीन्स क्या होता है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड 10 उत्पादन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड 10 के 10 सोख लेने के लिए हम प्रयास करेंगे, मीन्स अगर फैक्ट्री के माध्यम से इत्यादि चीज़ों के माध्यम से 10 टन सपोज हमने कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला, तो उस 10 के 10 टनों को सोखने के लिए मीन्स वो पर्यावरण में ना फैले, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में फैलेगा तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा और क्लाइमेट चेंज होगा। तो अगर 10 CO2 निकला है तो 10 के 10 CO2 को सोख लें तो इससे ज़ीरो आ जाएगा, यानी 10 - 10 = 0, इसी को कहा जाता है नेट ज़ीरो। तो भारत 2070 तक नेट ज़ीरो के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। आल्सो इम्पॉर्टेंट इज द PM's लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट इनिशिएटिव, तो ये लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट इनिशिएटिव विच प्रमोट्स द एडॉप्शन और एनवायरमेंटली कॉन्शियस इंडिविजुअल एक्शंस दैट कैन एड अप टू रियल प्रोग्रेस,
यानी प्रधानमंत्री जी का एक लाइफ करके प्रोग्राम है, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण के लिए अपनी जीवनचर्या बनाना, ना कि पर्यावरण के द्वारा अपनी जीवनचर्या बनाना, बल्कि पर्यावरण से अनुकूलन बनाते हुए अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना। तो ये एक अच्छी बात है। द स्वच्छ भारत मिशन 2.0, तो स्वच्छ भारत मिशन को चलाया गया था 2014 में, तो 2014 से लेकर के 2019 तक का ये पहला चरण था, और 2019 से लेकर के 2024 तक का दूसरा चरण है स्वच्छ भारत मिशन का। इसके तहत शौचालय इत्यादि को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2014 से लेकर के 2019 के बीच में भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया था 2 अक्टूबर 2019 को। अभी 2019 से लेकर के 2024 तक का स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में लक्ष्य ये है कि जो टूटे फूटे शौचालय हैं उन सबको मेंटेन करना है, और जिसके पास शौचालय नहीं पहुंचा हुआ है तो वहां तक पहुंचाना है, और तीसरा जो लोग शौचालय का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट करना है। तो ये तीन चार लक्ष्य को रखते हुए, और जो लेटरिन इसका शौचालय का गटर है उसको यदि एक है तो दो करना है, दो है तो तीन करना है, उसकी संख्या को बढ़ाना है, साफ़ सफाई पर और ज़्यादा फोकस करना है। तो ये है 2019 से लेकर के 2024 तक का स्वच्छ भारत मिशन 2.0। तो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग द पावर ऑफ ए सोशल मूवमेंट टू हेल्प चेंज स्ट्रांगली हेल्ड बिलीव्स दैट पोज बैरियर्स टू प्रोग्रेस इन दिस केस रिगार्डिंग कम्युनिटी एंगेजमेंट इन सेफ सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, यानी कि सुरक्षित साफ सफाई की जो प्रैक्टिस है उसको बनाए रखा जाए, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम कैसे स्वच्छ भारत मिशन को चरितार्थ करें। इन न्यूयॉर्क फॉर द UN जनरल असेंबली दिस वीक आई एम थिंकिंग अबाउट हाउ अदर कंट्रीज कैन लर्न फ्रॉम इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशंस बोथ दोज दैट सीवियर सर्व इंडियंस एंड दोज एक्सपोर्टेड थ्रू आउट द ग्लोब टू बिल्ड ए वर्ल्ड वेयर एवरी वन नो मैटर वेयर द लिव हैज चांस टू लिव ए हेल्दी प्रोडक्टिव लाइफ। तो ये पूरे भारत की प्रशंसा में बहुत लेख लिखा बिल गेट्स जी ने द टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसको हमने पढ़ा, और इन बातों को कोट कर सकते हैं। एक जो कोट करने वाली बात हो सकती है, कोटेशन टाइप की बात, वो ये है कि स्पीडिंग अप प्रोग्रेस टुवार्ड्स ए हेल्दियर फेयरर एंड मोर प्रॉस्पेरस वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन कमिटमेंट एंड इनोवेशन। तो ये जो वाक्य है ये एक प्रेरणादायक वाक्य है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। नमस्कार, जय हिंद।